So guys, welcome back to Daydream Beauty. After a long time, we will back. So दोस्तों बहुत लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर मैं आप सबके साथ हूँ एक बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. आप जानते हैं मेरे चैनल पे हेल्थ स्किन ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाती हैं, लेकिन आज मैं इन सबसे रिलेट करते हुए हेल्थ के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन आज मैं बात करूंगी हेल्थ की ग्रोइंग बच्चों की. सो दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि हमारी कंट्री में डायबिटीज और फैट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ये सब कॉमन डिजीज बोल सकते हैं कि जो बच्चों को हो रही है, एंड हमें ये कैसे सही करनी है, आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ. एंड इवन मैं आपको बताऊँ, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि 2025 तक हमारी कंट्री में डायबिटीज 70% तक बढ़ जाएगी बच्चों में. सो वी नीड टू टेक अ स्टेप. तो इसीलिए आज की मेरी वीडियो है बच्चों को डेडिकेटेड. आज मैं इसमें कुछ ऐसी डाइट बताने वाली हूँ जो आपको बच्चों की डाइट में शामिल करनी है, उन्हें देना है, ताकि आप उनका फ्यूचर और उनकी ग्रोथ दोनों को अच्छा कर सकें. सो दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो डायबिटीज एंड फैट प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में, वो किसी भी वजह से हो सकती है. न्यूट्रिशन, डाइट में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है. सेकेंडरी ये जो प्रॉब्लम है आपकी जंक फूड की वजह से भी हो रही है, क्योंकि बच्चे आजकल जंक फूड जो बाहर मिल रहा है वो ज़्यादा खा रहे हैं. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज यही डिस्कस करने वाली हूँ. एंड बच्चों को अच्छी डाइट के लिए उनको जो आयरन एंड कैल्शियम उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दोस्तों, बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ कि हम बच्चों को क्या डाइट दें. लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए. उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी. तो लास्ट में प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि ये जो प्रॉब्लम है उससे बाकी लोग भी अवेयर हो सके एंड अपने बच्चों की डाइट अच्छी कर सके. तो चलिए अब देखते हैं क्या है आज का डाइट. दोस्तों, हम जो बच्चों को डाइट दे रहे हैं नॉर्मल है. बड़े लोग तो जिम जाते हैं, अपना पूरा डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं हम जैसे लोग, क्योंकि वी आर वेरी मच एबल टू नो व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट. तो हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में जब चेंजेस दिखने लगते हैं और हमें लगता है ये नेगेटिव है, तो हम खुद को बदलते हैं, अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो सारी चीजें क्योर करते हैं. बट बच्चों का फ्यूचर कैसे ठीक किया जाए, सबसे पहले मैं एक फ्रूट की बात करना चाहूंगी जो बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. लेकिन हम कॉमन लोगों के बीच में ये भ्रम है कि वो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ फैट बढ़ाता है. ऑब्वियसली मैं आप समझ गए होंगे मैं किस फ्रूट के बारे में बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ बनाना. तो बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो कॉमनली सबको लगता है कि वो खाने से फैट बढ़ता है, लेकिन जबकि बनाना एक केवल ऐसा फ्रूट है जिसमें पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है और जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बनाना रेगुलर अपने बच्चे की डाइट में जरूर रखें. आप पूरे दिन में कभी भी अपने बच्चे को बनाना दे सकते हैं. सेकेंड, मैं बात करूंगी बच्चों में थकान होना. इट्स अ वेरी कॉमन. हमसे ज्यादा एक्टिविटीज बच्चे करते हैं. सुबह उन्हें स्कूल के लिए जल्दी उठना होता है, पूरे दिन स्कूल में उनका स्ट्रेस ही लग रहा है, दिमाग लग रहा है, ब्रेन का यूज हो रहा है. कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स की क्वेरीज ये वो. उसके बाद वो घर आते हैं, देन टू वो मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, तब भी उनका स्ट्रेस है. आईस पे खेलते हैं तब भी स्ट्रेस है. फिर होम ट्यूशंस जाते हैं या पढ़ते हैं होम ट्यूशंस या जो भी है, तब भी उनका स्ट्रेस लग रहा है. मस्ती करने में बच्चों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है, तो थकान तो ऑब्वियसली होगी. तो अब बच्चों की थकान कैसी मिटाई जाए, तो इसके लिए बच्चों को आपको देना है ग्रीन वेजिटेबल्स. ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है एंड जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. अब मैं ग्रीन वेजिटेबल में आपको एक पर्टिकुलर वेजिटेबल सजेस्ट करना चाहूंगी, दैट इज पालक. पालक में जिंक एंड फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो जिससे कि बच्चों का ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनता है. एंड एक चीज और, इसमें जो बच्चों को आप पालक दे रहे हैं वो किसी भी रूप में दे सकते हैं.
सूप बना के दे दीजिए, दाल पालक बना के दे दीजिए, पालक पनीर की सब्जी बना दीजिए और व्हाटएवर कोई भी सब्जी बना दीजिए, बट पूरे दिन में एक बार बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल और पालक जरूर दीजिए, और जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और जिससे बच्चों को थकान नहीं होती है। तो दोस्तों थकान का इलाज भी मिल गया। अब तीसरी मैं ऐसी बात करने वाली हूँ जो आप कहेंगे यार उस पर तो आपने वीडियो बनाई है तो आप वो क्यों बता रहे हैं। तीसरा जो आपको देना है बच्चों को वो है फैट। अब फैट सिर्फ मोटापा वाला फैट नहीं देना है आपको, फैट भी दो तरीके के होते हैं, गुड फैट और एक बैड फैट। आपको बच्चों को गुड फैट देना है, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, थोड़ा सा घी बच्चों को देसी घी घर का बना हुआ देना है आपको रेगुलरली, जो कि सिर्फ बच्चे को ये फैट जो है मोटापा नहीं बढ़ाता बल्कि उनका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है इन सब चीजों से। तो आपको ये भी बच्चों की डाइट में शामिल करना है, बट नॉट इन एक्सेसिव, बच्चों को पूरे दिन में एक दो बार आपको ये चीज देनी है। लास्ट आज की वीडियो की जो डाइट में मैं आपको चीज बताने वाली हूँ, आप सब जानते हैं कैल्शियम से हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है, राइट। आपको बच्चों को क्या देना है अपनी डाइट में, लास्ट में उनको पूरे दिन में जो है एक कप दूध जरूर देना है। आप जानते हैं दूध में कितने अच्छे तरीके से कैल्शियम होता है जो बच्चों की हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगा। एंड मैं एडवाइस करूंगी कि आप पूरे दिन में कभी भी दीजिए दूध, लेकिन दूध में जो है गर्म थोड़ा सा गुनगुना करके बच्चों को दूध दीजिए, और दूध में हल्दी मिलाइए। अगर एक एडवाइस और है, अगर बच्चा हल्दी वाला दूध पीता है दैट इज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड, बट अगर वो नहीं पीता तो आप उसमें एक चम्मच हनी मिला के पिलाइए, जिससे कि बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, सेकेंड आपका काम भी हो जाएगा एंड बच्चे को टेस्ट भी मिलेगा। सो जो पूरा सॉल्यूट मैटर है आपका उस हनी से सॉल्व हो जाएगा। तो दूध में हनी मिलाना चालू कर दीजिए अगर बच्चा हल्दी नहीं पी रहा है तो। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप ये बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करेंगे एंड इससे डेफिनेटली बच्चों का जो डायबिटीज प्रॉब्लम है एंड जो फैट प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा क्योर होगा। हमें इसका स्टेप लेना है, इन सब चीजों को रोकना है बढ़ने से। सो दोस्तों प्लीज शेयर करते रहिए इस वीडियो को एंड सब तक पहुंचाइए, सबको अवेयर कीजिए। एंड मैंने जैसा कि कहा था, अगर मेरी वीडियो आज की को पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज नीचे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मुझे अपना सपोर्ट देती रहिए ताकि मैं ऐसी ही ब्यूटी हेल्थ स्किन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।